किसी बल्लेबाज को पूछोगे पूरी दुनिया में, यार आपको अगर कहाँ पे कॉन्कर करना है, जहाँ पे क्रिकेट खेलना है और बढ़िया प्रदर्शन करना है ताकि आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले, साउथ अफ्रीका का नाम सबसे ऊपर आता है। और वहाँ पे आपको जो पिचेस मिलती है ना भाई, वो इसलिए सबसे मुख्तलिफ होती है, वहाँ पे स्विंग देखने को मिलता है, वहाँ पे पेस देखने को मिलती है, वहाँ पे गेंद कटती भी है गिर के, और उसके बाद वहाँ का क्राउड है ना क्रिकेट को बहुत प्यार करता है। भारत ने जो अपने इतिहास का पहला इकलौता T20 अंतर्राष्ट्रीय भी खेला था, जब हीरू कप्तान थे डबल कबूल नहीं किया था, हमें वक्त लगा, हमने वो वर्ल्ड कप का इंतजार किया और उसके बाद फिर वो IPL आया। लेकिन सबसे बढ़िया याद जो है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप की बात है, वो पहले मैच की बात है, वो बोल आउट जो था ना वो बड़ा स्पेशल था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि देखिए वो आप विक्ट्री की बात करें ना वो हमेशा ऊपर रहेगी, फाइनल जीतना 2007 वर्ल्ड कप, लेकिन बोल आउट कुछ अलग था, कुछ यू नो यूनिक था वो क्रिकेट में, इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं था ऐसा कुछ कि अगर स्कोर लेवल हो जाए तो फिर क्या करना है आगे जाके। तो हमने फुटबॉल की वो टेक्निक को अपनाया हुआ था, फुटबॉल के रूल को अपनाया था और स्टंप को डायरेक्ट हिट करना था, तो आई थिंक वो बड़ा स्पेशल माहौल था। और वो जो माहौल था, हम कंधे पे एक दूसरे के कंधे पे कंधा लगा के खड़े हुए थे सारे टीम मेंबर्स, पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा है, मैच हारने वाले थे, हम मैच एकदम लेवल लेके आ गए और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मजे करके जिसकी हमने तैयारी की थी और फिर हम पुल आउट कर रहे हैं, तो यार वो एक अलग माहौल था, वो हमेशा दिल के करीब रहता है।